ओए उठ जा, लोग उठाते हैं। ओ मेरा पुच्चू बेबी उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई, मैं उठाता हूँ। ओए ये रात को दिख नहीं रहा था। ये है जी हमारा मेहरानगढ़ किला, ये मंदिर, जो ये वाले घर हैं, ये तो चलो नई आर्किटेक्ट है, ये नए बने हैं। अगर देखा जाए तो ये ऐसे लग रहा है जब से किला होगा तब से ये बना होगा। हाँ, इसकी दीवारें देखो, इसकी ईंटें की अजीब सी हैं। ये कैसे बनाते होंगे यार उस वक्त पहाड़ी के ऊपर, ना कोई क्रेन ना कोई कुछ, कैसे बनाते हैं। कमरे के ये पिलर आ गया, पीछे पीछे जाके वो देख, इधर देख, बेड के पीछे भी जगह है। ये तो रात को देखी, ये रात को नहीं देखा हमने, ये देख। और इधर से ये पूरा वो आ गया, खिड़कियां ही खिड़कियां, खिड़कियां ही खिड़कियां। इनको कितनी कंफ्यूजन होती है कि ना, वो गाना है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में, अब कौन सी खिड़की, कौन सी खिड़की, कौन से घर की, कौन से फ्लोर की, कौन से नंबर वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। पूरे घर में इतनी खिड़की है। आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखो, ये किसी का घर है, कितना सुंदर है, इतने बड़े दरवाजे में एक छोटा सा दरवाजा है। वाओ यार, ये घर कितना अच्छा है ना, और यहाँ छोटी छोटी विंडोज हैं, ये देखो, ये बड़ा सा दरवाजा, बड़ा ही यार। आजकल के घर ऐसे कहाँ बन मिलते हैं। हमने वहाँ से चेकआउट करके यहाँ चेक इन किया है, बिकॉज हमारा है टारगेट चेंज करते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सके, क्योंकि पता नहीं इस रूट पे जिंदगी में फिर कब आएंगे। इसका ये शॉट तो आएगा ही आएगा, मुझे मेरा चंडीगढ़ से क्या के ले गया, ये शॉट आएगा ही आएगा। कहती अभी क्या है कि अभी इंटरनेट पे हमने रिसर्च किया है और इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाल के पूछा था कि रिसर्च हमें रिसर्च ही होती है भाई, बहुत तगड़ी रिसर्च होती है। और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के पूछा था कि अगर आप जोधपुर से हो तो हमें बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम ट्राई कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ अलग हों। वो लिस्ट बनी है, उसी लिस्ट को अपने अब ट्राई करना है। ये है हमारी लिस्ट, आज ये सारी चीज़ें करनी है। सच बताऊँ तो मुझे जोधपुर शहर बहुत पसंद आया, बहुत ही साफ सुथरा शहर है, कोई आसपास गंद नहीं है, और यहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, हर जगह पे पुलिस खड़ी हुई है, हर जगह पे। हमारा जो होटल वाले ना, वो कहते हैं भैया बेल्ट लगा लेना, मैंने बोला, मैं कहा हम चंडीगढ़ वालों को भाई आदत होती है, हमारा बैठते ही हाथ इधर जाता है। मावे की कचौरी, ये गाड़ी नहीं जाएगी आपकी, वॉक कर सकते हो, घास मंडी किसी बोले ना मावे की कचौरी, गाड़ी खाने गए वो भी घर जाके खाना खाएंगे पुलिस वाले की। एक्चुअली क्या है कि ये भैया हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, हम कल भी आए थे और हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, अपने आप आए कह रहे हैं भाई लाइक यहाँ पे ना गाड़ियाँ लगाना अलाउड नहीं है, एंड अभी भी हम वहीं पहुँच गए हैं, भैया ने हमें पहचान लिया, तो ये हमें सारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊँ जो मेरा यहाँ के लोगों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ के लोगों की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है, पॉजिटिव वाइब है। कोई इतनी हेल्प करे तो ज़्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए। अंदर चलाना, अंदर चलाना है। ओके ओके, थैंक यू। बहुत फैला हुआ कारोबार है, ब्लॉगिंग चैनल अलग, ऋषि अरोड़ा का, अरोड़ा चाट पनार, जोधपुर में सीक्रेट बिजनेस। ऋषि ने तो मुझे भी नहीं बताया इतना तगड़ा बिजनेस है ऋषि। ऋषि ये है जी जोधपुर की फेमस चाट। ये कौन सी है जी? ये दही गुंजिया है। दही गुंजिया, और ये पटरी पालक चाट। पटरी पटरी पालक चाट, मटरी मटरी पालक चाट। चाट है इतनी खट्टी मीठी है ना, और मेरे को चाट पसंद बहुत है, बहुत ही अमीर खाओ ना खटपटाहट हो जाएगी। सच में बहुत अलग है, है ना, बहुत अलग है। तो हम दोनों तो वैसे ही इतने ज्यादा चटोरे हैं, और हमें तो ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। एक प्लेट चटाचट, अब ये वाली खाने। अब शेफ सरी बताएगी इसका टेस्ट कैसा। वो ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है। वो बिकॉज मुझे भल्ला पसंद है, इसमें थोड़ा भल्ला है। वो ज्यादा अच्छी है बिकॉज भल्ला हम दोनों को ही नहीं पसंद। आपका भाई? हाँ हाँ, पंजाबी रोड़ा, फोर्थ जनरेशन। ये खुद उनका, और ये भाई साहब
खुद ओनर है। ये है जोधपुर की फेमस मखाना लस्सी, और जो ये शॉप है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है। 1927 में ये दुकान खुली थी। बहुत ज्यादा यार, बहुत मीठी है। वैसे तो जिस बंदे को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है ना उसके लिए ये बहुत कैंट है, और थोड़ा क्रीमी मीठा जो वो हैम और जलजीरा वो कैंट। इसे बोलते हैं प्यार प्यार को खींच लाता है ये। अभी सीधा सीधा और मावे की और कोई मीठे की दुकान चाहिए तो मोहन जी, मोहन जी के लड्डू। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। एक चीज पूछो, इतने दिल से समझाते हैं, इतने दिल से समझाते हैं, जैसे ना हम खुद उनकी शॉप पे एज अ कस्टमर बन के आए हैं, ऐसे समझाते हैं। एक एक जामुन खाते हैं। आज एक्चुअली हमें ऑटो वाले भी बहुत अच्छे मिल गए, इसलिए हमने उनको साथ ही बुला दिया कि आज हमारे साथ ही खाओ। अरे हमारे गर्म गर्म मिलते हैं, ये ठंडे हैं। और भैया कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत बढ़िया। 80 रुपये। बहुत बहुत शुक्रिया घुमाने के लिए। जोधपुर से ही हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खम्मा खाने। हमें तो एक ही वर्ड आता बस, और रियल फेमस दुकान हो। उधर कर दी मार्केट। नहीं नहीं कल जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे साथ हो गया यहाँ पे स्कैम, यानी कि धोखा। सर मुझे लग रहा है दुकान से हमने वो गुलाब जामुन खाया है, मुझे लग नहीं रहा कि वो रियल वही दुकान है जो फेमस है। फील नहीं आई वो। फील नहीं आई, मुझे लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ। चाट वाली जगह पे फील आई थी कि हाँ, कि भी वो खुद भी बता रहा था, खुद बना भी इतने तरीके से, वो बस लेके बैठा था गुलाब जामुन। और जो ये लस्सी वाली दुकान है, इस दुकान पे भी फील आई थी कि हाँ, ये वही फेमस वाली लस्सी है। गुलाब जामुन में तो हमारे साथ मुझे लग रहा है धोखा हुआ है। निकल जाएगी पीछे से, देख लो निकल जाए तो नहीं हटा दो आपके दिखे तो। हाँ हाँ थैंक यू भाई, निकाल दो तो अच्छा होगा। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत स्वीट है, नहीं तो कौन कौन करता है। मैंने बोला कि भाई नहीं कोई गाड़ी निकल जाएगी, नहीं कहते कोई बात नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं निकाल देता हूँ। कितने प्यार से बोला उसने ना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके ओके भाई, थैंक यू। मारो जोधपुर मारो मान। चाइनीज होते ना इस कैबेज को भी छोड़ते नहीं, वो जरूर खाते हैं ऐसे वेजिटेबल्स। चाइनीज कैबेज इसलिए खाते हैं क्योंकि तो आपको पता है गोभी में निकलते हैं कीड़े मकोड़े। पीछे देखो मेरे पीछे चांद, और मेरे साथ में चांद। ओहो। ये कैफे है द मैन केव जोधपुर में, अगर आप जोधपुर में हो यहाँ पे जरूर आना। इनकी एम्बियंस बहुत ही कैंट एम्बियंस है, बहुत ही कैंट एम्बियंस है। हर कार के ऊपर कुत्ता बैठा हुआ है। और तुम नीचे क्यों नहीं बैठते, कार के ऊपर क्यों बैठते हो बता दे यार। We are back to our hotel room. लेकिन क्या है कि आज का क्या हुआ कि हम इतने ज़्यादा फूडी हैं नहीं, ये तो है कि पता नहीं कब आएंगे यहाँ पे, इसलिए हम एक एक चीज़ हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं। लेकिन गुलाब जामुन वाला मुझे अभी भी लग रहा है कि धोखा हुआ है हमारे साथ। मैं बोल नहीं रही बट मेरे को तो लग रहा है वो धोखा ही हुआ हमारे। अगर आप जोधपुर से हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी रियल वाली शॉप है जो रियल वाली फेमस है, जहाँ पे वो एक जो मेल्ट हो जाता है मुंह में रखते ही, मजा चबा 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 चबा। और पंजाब का आज जीतना मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो वो लिस्ट लेके गए थे ना, वो लिस्ट पूरी नहीं है, उसमें से कुछ चीजें रह गई क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, इस कारण वो कुछ चीजें आज रह गई। बाकी चाट वगैरह तो बहुत टेस्टी थी। वो तो फिर अरोड़ियों की थी ना, फिर लोग बहुत स्वीट है। मारो जोधपुर मारो मान। वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा, मारो जोधपुर मारो मान, है ना, मारो जोधपुर मारो मान। एक बार आप भी बोलो जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक बार सर आप भी बोलना है। मैं बोलूंगा मारो जोधपुर, आपने बोलना मारो मान, ऐसे ही राजो वाली आवाज निकालनी है जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, बोलना ठीक है पक्का। मारो जोधपुर मारो मान, मारो जोधपुर मारो मान, कितना अच्छा लगता है। अक्टूबर को मेरा बर्थडे है और 22 अक्टूबर से पहले पहले इस चैनल पे 100K हो जाए। ओ ये गिफ्ट आप मुझे दे, मजा आ जाएगा।
22 अक्टूबर से पहले पहले 100K हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे। कंटेंट हमारा बोलता है, क्योंकि जो हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक मिलती है ना वो बहुत अच्छी मिलती है। आप लोग बताते हो कि हाँ हम डिजर्व करते हैं, इसलिए वो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो 22 अक्टूबर से पहले पहले 100K कर दो, मैं कहना नजारा यार नजारा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नवी खप लेके, कल वाला दिन भी बहुत कैंट होने